से भी निकालेंगे। पाठ है हमारा बुद्धिमान लोमड़ी। बुद्धिमान लोमड़ी बुद्धिमान लोमड़ी सभी बुक निकाले पाठ पढ़ेंगे अध्याय एक नजर में। सबसे पहले हम एक नजर अध्याय पर डालते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक लोमड़ी की बुद्धिमानी की कहानी दी जा रही है। इस पाठ में लोमड़ी की कहानी को बताया गया है। कहानी का यह सार है कि बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत का सामना आसानी से किया जा सकता है। इसमें बताया है अगर तो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वह बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना अच्छे से कर लेगा। आगे है किसी वन में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ घोंसला बनाकर रहता था जिसमें एक काला नाग आकर रहने लगा। ठीक है, एक वृक्ष था उसके ऊपर एक कौवा अपना घोंसला बनाकर रहता था। उसके तने में एक काला नाग भी आकर रहने लगा। कोई की पत्नी ने अंडे दिए थे। दोनों बारी बारी से जाकर अंडों की रखवाली करते थे। कुछ दिन बाद अंडों से छोटे बच्चे निकल आए। एक दिन कौवा भोजन की खोज में गया हुआ था। कौवे की पत्नी घोंसले में बच्चों के साथ बैठी थी। मौका पाकर नाग घोंसले की ओर बढ़ा। कौवे की पत्नी ने साहस से उसका मुकाबला किया। नाग डरकर वापस चला गया। जब कौवा लौटा तो कौवे की पत्नी ने उसे सब कुछ बताया। कोए आगे है, कोए बहुत दुखी हुआ। उन्हें डर लग रहा था कि अगर नाग ने बच्चों को खा लिया तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ ही दूरी पर दूसरे वृक्ष के नीचे एक कोए की मित्र लोमड़ी रह रही थी। वह बड़ी बुद्धिमान थी। कोए की मित्र थी लोमड़ी। वह बहुत बुद्धिमान थी। एक दिन कौवे ने दुखी होकर उसे बताया कि वह अपना घोंसला छोड़कर चला जाएगा। लोमड़ी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें अपना घोंसला छोड़कर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बताओ मित्र, इस काले नाग से छुटकारा पाने का क्या उपाय करूं? कौवे ने बड़ी आशा से लोमड़ी से पूछा। इस पर लोमड़ी ने उपाय बताते हुए कहा, पास में एक नदी बहती है। रानी प्रतिदिन सुबह उस नदी में स्नान करने आती है। रानी जैसे ही अपने आभूषण उतारे तो उसकी मोतियों की माला चुपके से उठाकर उठ जाना। राजा के सेवक तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे जैसे ही तुम घोंसले के समीप पहुंचो। माला को काले नाग के बिल में डाल देना और अपने घोंसले में चले जाना। राजा के सेवक काले नाग के बिल से माला निकालने का प्रयत्न करेंगे और वह बाहर आएगा। राजा के सेवक उसे मार डालेंगे। यह लोमड़ी की चतुराई थी जिसने उसको कौवे की जान बचाई। अगले दिन कौवा सुबह सुबह नदी के किनारे उठ चला। नदी के किनारे उसने रानी के गहने रखे देखे। रानी नदी में नहा रही थी। कौवा चुपके से नीचे उतरा, मोतियों की माला उठाई और उड़ गया। यह देखकर रानी चिल्ला
अपने वह माला ले जाकर काले नाग के पेट में डाल दी। कोई का पीछा करते करते राजा के सेवक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने पेट में काले नाग को देखा। सेवकों ने अपने भाले से उसे गोद डाला और माला लेकर चले गए। रानी के सेवकों ने काले नाग को मार डाला। काले नाग के मारे जाने पर कोई का परिवार निडर होकर सुख से उस पेड़ पर रहने लगा। इस तरह लोमड़ी की चतुराई से काले नाग का अंत हो गया। ठीक है, एक कौवा था, वह अपनी फैमिली के साथ एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहता था। उसी के तने में एक सांप भी रहता था, काला नाग। जाकर उनको बचाते थे। तब वे अंडे बड़े होकर जब उन्हें से बच्चे निकलाए तो एक दिन कौवा खाना ढूंढने के लिए गया और उसकी पत्नी ने बैठकर उसकी रक्षा की। तभी काला नाग वहाँ पर आया तो उसने डटकर उसका मुकाबला किया। फिर उसने कौए से सारी बात बताई और कौए ने अपनी मित्र लोमड़ी से बताई। लोमड़ी ने सुझाव दिया कि तुम रानी की माला उठाकर घोंसले उसमें बिल में डाल दो, सेवक आएंगे और माला को निकालेंगे, तब काला नाग मारा जाएगा। इस प्रकार काला नाग मारा गया। आगे हम समीक्षा करेंगे। Thank you.
क्या लोमड़ी कोयल को और कोयल को
लिखते हैं काले नाम से, तो क्या लिखेंगे, कौवा और उसकी पत्नी काले नाम से पीते। आगे है काला नाग कहाँ रहता था, लिखेंगे बरगद के वृक्ष के तने में एक खोखल था, काला नाग उसमें रहता था। आगे है कौवे की मित्र कौन थी, कौन थी, लोमड़ी। Gracias.
काले नाग को मारने का क्या उपाय बताया? लिखेंगे लोमडी ने बताया कि वह रानी की मोतियों की माला झुमके से उठाकर उठ जाए और माला को काले नाग के बिल में डाल दे। राजा के सेवक काले नाग के बिल से माला निकालेंगे, निकालने का प्रयत्न करेंगे तो वह बाहर आ जाएगा और राजा के सेवक से माल डालेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, काले नाग को किसने मारा? राजा के सेवकों ने अपने भालों से काले नाग को गोदकर मार डाला। सभी लिखे सभी ने लिख लिया।